हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से विवेक राना स्टॉक्स चैनल पर अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ और साथ में आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तों शिल्पा शेट्टी की कंपनी ऑलमोस्ट साढ़े तेरह लाख क्वांटिटी एक ही दिन में गायब हो गई जी हाँ दोस्तों आपको याद होगा बियान इंडस्ट्री शिल्पा शेट्टी के बेटे के नाम से कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक है शिल्पा शेट्टी का राइट और दोस्तों मेरा मानना था कि ये स्टॉक आपको सत्तर पैसे से एक बाउंस बैक कर सकता है और उसने इस पैसे की करके की तरफ जा रहा है राइट तो डेफिनेटली आज की डेट में ऑलमोस्ट सत्रह लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई उसमें से तेरह लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए सीएनसी ऑर्डर में तो दोस्तों जैसे आपको बोला गया था वैसे ही प्राइस एक्शन बन के ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और अब एक रजिस्टेंस लेके डेफिनेटली नीचे गिर सकता है तो आपको अब थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है ठीक है आपको फंसना नहीं है ये स्टॉक मैंने खुद सत्तर पैसे के आसपास बाई किया है और मैं भी इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करूंगा अभी मुझे इसमें बीस परसेंट के आसपास की रिटर्न आ रही है और मुझे लगता है आप लोगों ने भी स्टॉक को डेफिनेटली सत्तर पैसे के आसपास बाई किया होगा मैंने सत्तर पैसे के आसपास आपको सजेस्ट क्यों किया था उसके लिए आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा उसके हिसाब से बताऊंगा कि आपको अब आप नेक्स्ट स्टॉक में क्या करना चाहिए तो भाई सबसे पहले इस बात के लिए कि आपको अभी एक अच्छी खासी रिटर्न आ रही है और जैसा मैंने आपको बोला था बिल्कुल कि स्टॉक ये पहले स्टॉक वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आपको बताया गया था कि सत्तर पैसे में आएगा बाउंस बैक करेगा डेफिनेटली एक रुपये तक जाएगा और अब एक रुपये टेस्ट करने वाला है तो उसके लिए वीडियो को शेयर कर दो राइट अवे फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम जहाँ आप कर सकते हो तो लेके चलता हूँ स्टॉक के चार्ट की तरफ और दिखाऊंगा कि आज का कामकाज कैसा हुआ है तो पहले चार्ट देख लो उसके बाद काम देखेंगे तो दोस्तों मैंने चार्ट खोला हुआ वी इंडस्ट्री का दोस्तों देख सकते हो बात करते पहले स्टॉक की आ, आर एस आई का दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक आर से भी सिक्सटी फोर के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका मतलब स्टॉक अभी आप बाय करके चल सकते हो बाय जोन में एक्टिवेट है बट दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि स्टॉक मैंने आपको सतहत्तर पैसे और सत्तर पैसे के आसपास दिया था तो इसका मतलब है कि अब आप अपने ऑन रिस्क में स्टॉक को बाय करके चल सकते हो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टॉक को इस प्राइस में बाय करो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक अपडेटेड वीडियो आप बोल सकते हो कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है देख सकते हो दोस्तों ये जो सत्तर पैसे था ये सपोर्ट क्यों था उसका रीजन दोस्तों ये है अगर आप ध्यान से देखो कि लाइन मैंने खींच रखी है ये एक सपोर्ट एरिया था स्टॉक का मुझे पता था डेफिनेटली स्टॉक बाउंस बैक करेगा और दोस्तों ये तीन बॉटम तीन बॉटम बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है एक बॉटम दोस्तों ये रहा एक बॉटम ये रहा एक बॉटम ये रहा तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अब एक रुपये नौ पैसे के आसपास आराम से जा सकता है और वहाँ पर टेस्ट करके वहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर सकता है अगर वहाँ पर एक रुपये नौ पैसे के आसपास ये जाके नीचे गिरता है तो आपको स्टॉक को बेचना नहीं है ठीक है अगर आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो लेकिन मैं स्टॉक को नहीं बेचूंगा मैं स्टॉक को बेचूंगा एक रुपये पचास पैसे के आसपास एक रुपये चौंतीस पैसे के आसपास ठीक है क्यों बेचूंगा दोस्तों मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक इसको एक रुपये नौ पैसे के आसपास टेस्ट के द्वारा नीचे आएगा और बाउंस बैक कर सकता है दोबारा से नब्बे पैसे के आसपास तो दोस्तों ये चीज़ें सब प्राइज एक्शन होता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा डेफिनेटली आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ प्राइज एक्शन होता है और दोस्तों जो जिस प्राइस में मैंने स्टॉक को बाई किया मैंने सतहत्तर पैसे के आसपास बाई किया तो मेरा जो स्टॉप रहेगा स्टॉक में वो रहेगा इस कैनगर लो ठीक है मात्र दस पैसे का स्टॉप लॉस है मेरा ठीक है मात्र दस पैसे मैं खोने के लिए रेडी हूँ और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट इसमें एक रुपये नौ पैसे और एक रुपये चौंतीस पैसे के आसपास है अगर स्टॉक ने एक रुपये चौंतीस पैसे के ऊपर क्लोज़ कर दिया तो डेफिनेटली मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करूँगा बड़े टारगेट के लिए मैं वेट क्यों करूँगा दोस्तों उसका रीज़न इसका वॉल्यूम है अगर ध्यान से दोस्तों आप देखोगे तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ये आया है सत्रह लाख क्वान्टिटी रेडी और वन पॉइंट सेवन मिलियन का वॉल्यूम है और दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी दिनों का ये वॉल्यूम है ऑलमोस्ट तीन नहीं नहीं का वॉल्यूम खा गया एक ही दिन में तो दोस्तों कुछ ना कुछ आज बड़ा स्टॉक में खेला गया है बड़ी गेम स्टॉक में हुई है तो डेफिनेटली अगर आपने स्टॉक को बाय किया तो आप होल्ड करो होल्ड करो एक रुपये नौ रुपये एक रुपये नौ पैसे के टारगेट के लिए ठीक है एक रुपये नौ पैसे के अगर आपको डर लग रहा है तो डेफिनेटली आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना और जिनको डर नहीं लगता है और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो वो डेफिनेटली एक रुपये चौथी पैसे के आसपास के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ठीक है मैं तो खुद इसमें एक रुपये चौथी पैसे के आसपास करूँगा मेरे मुझे देख के मत करना क्योंकि भाई मैंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट किया है मुझे पता कि मैंने इस इसमें कितना इन्वेस्ट किया और मैंने अपना पूरा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जो टू परसेंट का रूल आपको साथ बोलता हूँ मैंने उसको अप्लाई किया है राइट मैं उसको हर ट्रेडिंग में हर स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ अब बात करते हैं कि भाई स्टॉक में आज की डेट में क्या काम काज हो एक बार वो देख लो ठीक है दो आपसे तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियो लाइक तो कब ही सकते हो ठीक है एक अप्रीशिएट गिफ्ट होता है ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और शेयर कर दो अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर जहाँ आप कर सकते हो ताकि हमारे चैनल का ग्रो हो सके और अच्छी खासी रीच पहुँच सके ठीक है जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहूँगा अगर आप शेयर करोगे शेयर नहीं करोगे तो मैं भी शायद ऐसे वीडियोज़ आपके लिए ना बनाऊँ तो उस आप देख सकते हो बियान इंडस्ट्री मैंने चार्ट खोला हुआ है ठीक है मतलब बी में डेटा खोला हुआ है तो मैं आपको आज का कामकाज दिखा देता हूँ स्टॉक के बारे में कि आज का कामकाज कैसा हुआ है और उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिफ्टी टू हाई इसका एक रुपये अठारह पैसे के आसपास है ठीक है तो देखते हैं कि ये अब इस प्राइस को टेस्ट कर पाता है नहीं कर पाता मुझे लगता है ये टेस्ट करेगा ठीक है उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था क्यों बताया था क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट बहुत ऊपर के लेवल से गिरा है चार सौ सत्तर रुपये के जीरो के चार्ट में अगर आप देखते हो जीरो के चार्ट में तो चारों सत्तर रुपये के प्राइस से नीचे गिरा है और मुझे लगता है डेफ़िनेटली ये चार सौ सत्तर रुपये तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ आप चार से पाँच रुपये जा सकता है लेकिन आपको वो चार से पाँच रुपये जाने के लिए कम से कम एक से दो साल भी लग सकता है ठीक है भाई क्योंकि भाई अगर आपका पैसा यहाँ से पाँच छः गुना होगा तो टाइम तो देगा ना टाइम तो लगेगा ना और दोस्तों तो आप देख सकते हो सिक्सटी टू पैसे का लो है ठीक है और सत्तर पैसे के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया मतलब अपने सपोर्ट के आसपास जो इसका लास्ट ईयर का लो था उसके सपोर्ट लेके ऊपर गया तो डेफिनेटली यहाँ से फिफ्टी परसेंट का बाउंस कर सकता है जो निकल के आता है इन दोनों का अगर आप फिफ्टी परसेंट निकालती हो तो कितना आएगा खुद हिसाब लगाओ दो रुपये एक दो रुपये ये ढाई रुपये ये तो मतलब एक रुपये तीस पैसे और एक रुपये चौंतीस पैसे के आसपास जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है जो हमारा टी टू टारगेट है एक रुपये चौतीस पैसे बिल्कुल वही इन दोनों का फिफ्टी परसेंट निकल के आता है अगर आप दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे तो दो से ठीक है तो ये हो गया बात अब बात करते हैं कि आज कैसा कामकाज हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ सी एन सी ऑर्डर में कि कितनी क्वान्टिटी कि ट्रेड की गई थी और कितने लोग घर लेके गए, ले गए हैं तो उसको देख सकते हो तो सोलह मार्च मैंने खोला हुआ है स्क्रीन में आपके सामने ठीक है और सत्रह लाख क्वान्टिटी ट्रेड की गई है सत्रह लाख मतलब वन पॉइंट सेवन मिलियन राइट उसमें तेरह लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए वन पॉइंट थ्री मिलियन ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो दोस्तों एट्टी परसेंट के आसपास लोग क्वांटिटी घर लेके गए सी एन सी ऑर्डर में ठीक है और दोस्तों एक एक बात को ध्यान रखना इस स्टॉक में आज सुबह मॉर्निंग में अपर सर्किट लगा था लेकिन बाद में दिन में अपर सर्किट खुला था और ये स्टॉक एक परसेंट के आसपास अप था मतलब इसमें ट्रेडिंग हो रही थी लोग बाय सेल कर पा रहे थे और दोस्तों ये इसका आंसर है कि हाँ इसमें बाय सेल हो रहा था क्योंकि एट्टी परसेंट लोग घर लेके गए ट्वेंटी परसेंट लोगों ने आपको पता है उसमें ट्रेडिंग करके एग्जिट मार दिया होगा तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपने स्टॉक को बाय किया सत्तर पैसे पैंसठ पैसे के आसपास तो मैंने आपको बोल दिया भाई एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना एक रुपये नौ पैसे के आसपास अगर आपको डर लगता है और जिनको डर नहीं लगता है ले सकते हैं तो भाई एक रुपये चौतीस पैसे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया क्या आपको एक बार दोबारा दिखा दे ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जैसे मैंने आपको दिखलाया ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मात्र दस पैसे और बीस पैसे का स्टॉप लॉस है और हम वेट करेंगे कम से कम एक रुपये नौ और एक रुपये चौथी पैसे के टारगेट के लिए ठीक है भाई तो भाई इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको समझ आ गया कि, कि आपको बियन रजिस्ट्री और शिल्पा शेडी की कंपनी जो मात्र एक रुपये के नीचे ट्रेड कर रही है उसमें ऑलमोस्ट साढ़े तेरह लाख क्वांटिटी एक ही दिन में गायब हो चुकी है तो डेफिनेटली स्टॉक को रिडाई में रखो खोने के लिए कुछ नहीं है डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है आपको एक अच्छी रेडा नहीं दिखा सकता है अब बात आता है कि करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक को बाय करें मेरे साथ दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक को बाय नहीं करना है जब स्टॉक लोअर सर्किट में रहता है वह स्टॉक को बाय करके चल सकती हो तो भाई वीडियो को शेयर कर देना इस वीडियो में इतना ही बाय बाय